एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। ठीक है, बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं करने वाली हूँ नो मिरर मेकअप चैलेंज। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट एवर चैलेंज वीडियो है, तो रुको जरा, सब्र करो। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड प्लस नर्वस भी, क्योंकि मैं कभी मिरर के अलावा मेकअप नहीं करी हूँ पहले, एंड ये मैं फर्स्ट टाइम करूंगी, तो देखते हैं क्या होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब, उसके पास बेल बटन ऐसे भी कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप वीडियो को एंड तक देखो, अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। तो और हाँ गाइस, मैं ये नो मिरर मेकअप चैलेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिंपल वाला मेकअप करके छोड़ दूंगी, मैं करूंगी कुछ बढ़िया वाला मेकअप, लाइक मैं करूंगी ब्लैक स्मोकी आई मेकअप लुक। सो सुपर एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मैं सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करूंगी टोनर, ये है राइस वाटर टोनर, जो सिर्फ इतना सा पड़ा है, लाइक मैं अभी राइस वाटर टोनर के दीवाना हो गई हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आता है अभी, इसलिए अभी थोड़ा इतना सा पड़ा है। मैंने एक बॉटल ऑलरेडी खत्म कर दी है और ये भी बिल्कुल खत्म होने वाला है, मैं फिर से बनाऊंगी। तो गाइस अगर आप राइस वाटर टोनर यूज करना चाहते हो तो उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, मैं कोरियन ग्लो स्किन केयर वाले वीडियो पे दिखाई हूँ राइस वाटर टोनर आप कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। और हाँ, सच में ये टोनर बहुत ही कमाल का है, मुझे तो बहुत बहुत पसंद है, मैं यही यूज करती हूँ। ये सूख जाने के बाद मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। Few moments later. तो गाइज अभी मेरा टोनर जो है काफी हद तक सूख चुका है, अभी मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 आवर्स मॉइस्चराइज लॉक। एक्चुअली 24 आवर्स तो नहीं देता लेकिन आपको 5-6 घंटे दे देगा। तो गाइज मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपका ऑयली स्किन है आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो, ऑयली स्किन पे भी ज्यादा तो जाएगा। तो मेरा मॉइस्चराइजर जो है हो गया अप्लाई करना, अभी मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं पतंजलि के एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। तो गाइस अगर आप मुझे फॉलो करते हो या और फिर आप मेरे ज्यादातर वीडियो देखते हो तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैं प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। अगर आप एलोवेरा जेल या फिर प्राइमर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पूरे मुंह पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने टी जोन एरिया को, यस इसका मतलब फॉरहेड, चिन नोज और चिक्स के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारा पोर्स जो है यहाँ पर ज्यादातर रहता है, यहाँ पर उतना ज्यादा पोर्स तो नहीं रहता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अप्लाई कर दोगे तो नहीं होगा, स्किन खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अप्लाई नहीं भी कर सकते हो, क्या है यार, बचा के रख लो। अभी मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन अप्लाई करूंगी कंसीलर, मैं सोच रही हूँ चलो कंसीलर अप्लाई करते हो, क्योंकि मैं ब्लैक स्मोक क्या करूंगी और मेरे पास मिरर भी नहीं है, तो अगर फॉल आउट हो गया भी तो मुझे दिखाई नहीं देगा, तो मैं पहले अप्लाई कर लेती हूँ। तो गाइस मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं फैन नहीं चला सकती तो मेरा वॉइस गंदा आ जाएगा। मैं बेड कर तो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे आईलिड पे पाउडर, ताकि मेरा आई मेकअप जो है अच्छा हो और मेरा आईलिड पे क्रीज ना पड़े। मैं इसे एक पाउडर ब्रश की मदद से इसे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। तो गाइस मैं फिंगर क्रॉस कर रही हूँ ताकि मेरा आई मेकअप या फिर मेरा फुल फेस ऑफ मेकअप बहुत अच्छे से हो। मैं सोच रही हूँ ये शेड वाला, ये वाला शेड दूंगी एंड अपने पूरे आईलिड पर अप्लाई करूंगी। तो अभी मैं अप्लाई करूंगी काजल लैक्मे वाला, नहीं मैं एलेटिन वाला अप्लाई करूंगी, इसे मैं अपने पूरे वाटर लाइन पे अप्लाई कर दूंगी अच्छे से। ये अभी मैं अप्लाई करूंगी, सॉरी मैं आईलिड पे अप्लाई कर दूंगी अच्छे से, अभी मैं अप्लाई करूँ बहुत डर डर के, कहीं मेरे आईज के अंदर ना चला जाए, कोई मेरे लिए दुआ करो गाइज।
तो गाइस मैं एक थिन लाइन ड्रॉ करूंगी क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं है और मैं देख भी नहीं सकती कि कितना डार्क हो जाएगा कितना लाइट हो जाएगा, तो मैं पहले थिन लाइन अप्लाई करूंगी। तो इस आईज पे होने के बाद मैं दूसरे आईज पे भी अप्लाई करूंगी। देखो मैं कैसे नीचे देख के कर रही हूँ, अगर मेरे बाई चांस मेरे आंखों पे चला जाएगा तो मैं अंधी हो जाऊंगी। तो गाइस अभी मैं अप्लाई करूंगी इस ब्राउन वाले शेड को अपने क्रीज लाइन पे, जिसे मैं एक स्मॉल ब्रश के ऊपर लेके डस्ट ऑफ करके अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन 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 आपने कुछ नोटिस किया किया ना, मेरा कलर आईलिड पे आया ही नहीं, मैंने इतना डस्ट ऑफ कर दिया। ओ गॉड, मैंने क्या किया यार। सेम ऑन यू संगीता। अब मैं करूंगी अपने काजल को ब्लेंड स्मोकी आई लुक देने के लिए। उसके लिए मैं इस टाइप का एक ब्रश यूज कर रही हूँ जिसका नाम ही मुझे नहीं पता। तो गाइस मैं अभी करूंगी मेरे स्मज ना हुए काजल को सेट, वो भी ये 16 कलर आई शेडो पैलेट फ्रॉम हिलारी रोडा। अगर गाइस आप किसी अच्छे आई शेडो पैलेट की संधान कर रहे हो तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही पिगमेंटेशन है एंड इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैं कर रही हूँ सेट अपने ना हुए काजल को एंड सी द रिजल्ट। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नष्ट हुआ, नष्ट। एंड गाइस मैं भी अप्लाई करूंगी अपने लोअर लैश लाइन पर आई शेडो ताकि मेरे बदसूरत आई मेकअप को थोड़ा सूरत मिले। ऐसे मैं धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ, नहीं तो मेरे आईज पे अंदर चला जाएगा। गाइस समझो कुछ, मैं नो मिरर मेकअप चैलेंज कर रही हूँ। अब मैं थोड़ा और जान डालने के लिए इस बदसूरत से आई मेकअप के ऊपर अप्लाई करूंगी मेरे वाटर लाइन पे काजल। अब मैं करूंगी अपने फेस के ऊपर ड्राइंग, यानी मैं करूंगी मेरे आईब्रो को ड्रॉ, वो भी एडीएस का आईब्रो पेंसिल की मदद से। एंड ये बहुत उस टाइम पे बहुत टाइट था, खुल नहीं रहा था। तो गाइज मैं अपने फिंगर की मदद से अपने आईब्रोज को ढूंढ रही थी एंड फिंगर को धीरे 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 नीचे की तरफ कर रही थी और आईब्रो पेंसिल को भी उसके साथ नीचे की तरफ कर रही थी ताकि मेरे ना दिखे हुए आईब्रोज थोड़ा दिखे, थोड़ा इनहेंस हो। और अभी मैं एक एंगुलर ब्रश की मदद से अपने आईब्रो पेंसिल को, मतलब आईब्रो के ऊपर जो आईब्रो पेंसिल लगाया था उसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, ब्लेंड 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 करूंगी। और अभी मैं एक पाउडर ब्रश की मदद से अपने अंडर आई के ऊपर, अंडर आई के नीचे जितने पाउडर था उसे डस्ट ऑफ करूंगी एंड उसे ही मैं अपने पूरे मुंह पे अप्लाई कर दूंगी ताकि मैं थोड़ा गोरा चिकनी चमेली हो जाऊं। गाइस आई होप कि मेरा फाउंडेशन जो है अच्छे से ब्लेंड हुआ है, आई होप हो जाए अच्छे से। और फाइनल रिजल्ट जो है वो भी अच्छा है। मैं इतना क्या बोलूं, तो गाइस मुझे लगा था कि मैं पहले गोरा नहीं हुई हूँ, पहले पाउडर अप्लाई कम हो गया था, तो फिर से अप्लाई कर रही हूँ पाउडर ताकि मैं और गोरा हो जाऊँ और एकदम मिल्क की तरह। अब मैं करूंगी अपने फेस को कॉन्टोरिंग मेरे लंबा मुंह को और लंबा बनाने के लिए। तो मैं इस वाले सेड को लेके एक पाउडर ब्रश के ऊपर अपने हॉलो ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर दूंगी डस्ट ऑफ करके। मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा हॉलो ऑफ द चीक्स कहाँ है।
तो अगर आपको भी कॉन्ट्रोल अप्लाई करना नहीं आता तो आप भी ऐसे मेरे तरह मुंह बनाते हुए कॉन्ट्रोल अप्लाई करना। ओके मैं ज्यादातर तो अपने चीक्स को कॉन्ट्रोल नहीं करती हूँ, मैं हमेशा अपने नोज को ही कॉन्ट्रोल करती हूँ क्योंकि मेरा चीक्स स्लिम है, मतलब थोड़ी ऐसे गोलू मोलू नहीं है, मतलब लंबा ही फेस है, इसलिए मैं कॉन्ट्रोल अपने सिर्फ नोज पे ही ज्यादातर करती हूँ। लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो आज करते हैं चीक्स को कॉन्ट्रोल। आई थिंक मेरा नोज कॉन्ट्रोल ठीक से हो रहा है या नहीं, चलो फॉरहेड को भी कॉन्ट्रोल करते हैं, आज पूरा मेकअप करते हैं, कुछ स्किप नहीं करेंगे। अभी मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। ब्लश के लिए मैं ये पीची पिंक काइंड ऑफ शेड को अप्लाई करूंगी। ले लिया है, डिस्टर्ब कर लिया है, मैं आज लिफ्टेड ब्लश अप्लाई करूंगी। रुको जरा, सबर करो। मुझे नोज पे अप्लाई करना बहुत पे और थोड़ा चिन पे भी। तो अभी मैं इनर कॉर्नर को शायद हाईलाइट नहीं करी हूँ। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं हिलारी डोडा का पैलेट लूंगी और उसमें से ये सिल्वर काइंड ऑफ शेड को लूंगी और अपने स्मॉल फिंगर पे इसे लूंगी ये, फिर मैं अपने इनर कॉर्नर पे प्लेस कर दूंगी। ठीक है सर, तो अभी मेरा जो मस्कारा अभी तक बाकी है तो मस्कारा भी मेरे पास नहीं है तो मैं उसे लाने के लिए जाती हूँ। बाय, इसलिए बाय क्यों, मैं तो अभी आऊंगी, वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, आती हूँ। ओके तो गाइस मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मेरा मस्कारा जो है नहीं मिला और मैं मस्कारा को स्किप भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं आईलाइनर को, मेरे पास दो आईलाइनर है ब्लू हेवन का, आईलाइनर को इस सेम स्पूली में लूंगी। स्पूली किधर गया यार, मेरा सब गुम हो रहा है भाई, तू तो मिल जा नहीं तो मेरा मस्कारा मैं कैसे अप्लाई करूंगी। अभी तो मैंने यूज करी थी, कहां गई मेरी स्पूली, कुछ नहीं मिल रहा। वेट, 2000 years later। तो गाइस आज मेरा लकी खराब है, मुझे स्पूली भी अभी नहीं मिल रहा, तो मैं मस्कारा कैसे अप्लाई करूं, अभी बताओ, आप ही बताओ, मैं मस्कारा कैसे अप्लाई करूंगी यार। और मैं मस्कारा को स्किप भी नहीं कर सकती तो मैंने सोचा चलो इस टाइप के ब्रश से, मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा आईलाइनर लगा दूंगी फिर ऐसे ऐसे कोम कर लूंगी, देखते हैं क्या होगा, चलो करते हैं। आज मेरा शायद लकी खराब है, मैंने मुझे मस्कारा भी नहीं मिला और मैंने स्पूली अभी यूज करी है आईब्रोज को कॉम करने के लिए, फिर मैंने स्पूली भी अभी नहीं मिल रहा, तो मैंने जो है ऐसे आईलाइनर, ऐसे आईलाइनर का बॉटल को ऐसे 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 करके फिर इस वाले ब्रश के ऊपर ऐसे 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 कर चुकी हूँ। अभी आई होप ये ठीक से हो जाए। बहुत ही मुश्किल से करी हूँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा था कहीं मेरे आईज के अंदर ना चला जाए। तो गाइस मैंने वैसलीन से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर ली है, अभी मैं अप्लाई करूंगी हुडा ब्यूटी का लिक्विड लिपस्टिक, ये मैट है, इसका शेड है 10। शायद निकल गया, बॉर्डर अगर अच्छे से हो जाए फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लिपस्टिक खत्म, तो अभी मेरे बाकी है हाइलाइटर, मैं इस वाले सेट को एज अ हाइलाइटर यूज करूंगी। मैं नोज में अपने फिंगर की मदद से अप्लाई कर दूंगी, ये इजी है। इतना पसीना क्यों आ रहा है, लाइक आज मेरा दिन ही खराब है, मुझे मेरा मस्कारा नहीं मिला, फिर स्पूली अभी यूज करी लेकिन मस्कारा के अप्लाई करने के टाइम स्पूली किधर चला गया,
फिर मेरा आज इतना पसीना आ रहा है, मैं इस ब्रश को ऐसे करके ऐसे अप्लाई कर दूंगी। तो फाइनली मेरा मेकअप डन हो चुका है। अब मैं देखूंगी मिरर, तो लेट्स सी कैसा हुआ है मेरा मेकअप। ओह सुपर डुपर एक्साइटेड गॉड। रुको मैं मिरर आती हूँ। ओके सून आफ्टर। तो गाइस मैं जो है मिरर लेके आ गई हूँ। ये अभी मैं देखूंगी कि मेरा मेकअप कैसे हुआ है। अगर बात करें बेस मेकअप की तो बिल्कुल गंदा हुआ है मेरा बेस मेकअप, लाइक एकदम खराब, कुछ ठीक से ब्लेंड भी नहीं हुआ। आप ठीक से देखो इस साइड पर, यहाँ पर फाउंडेशन है, अभी भी फाउंडेशन है, ऐसे ऐसे यहाँ पर मेरे फाउंडेशन है, मतलब ब्लेंड ही नहीं हुआ ठीक से, लाइक बेस तो बिल्कुल खराब है। अब बात करते हैं कॉन्टोरिंग की, तो कॉन्टोरिंग ठीक ही है, उतना खराब तो कुछ नहीं है, कॉन्टोरिंग ठीक ही है। अब अगर बात करें ब्लश की, तो ब्लश इस साइड पे ज्यादा मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस साइड, लाइक इस साइड पे ज्यादा डार्क हो गया और मतलब कॉन्टोर के साथ मिल गया, मतलब मिक्स हो गया दोनों एक साथ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ब्लश है या नहीं है। इस साइड पे मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है ब्लश। हाइलाइटर एकदम परफेक्ट है और मेरा इनर कॉर्नर हाइलाइट्स भी परफेक्ट है, देख सकते हो ये। लेकिन अगर अब बात करें आई मेकअप की, जो मैं करने वाली थी ब्लैक स्मोकी आई, उसका बी भी नहीं हुआ, लाइक मेरा काजल जो है ठीक से ब्लेंड ही नहीं हुआ। लेकिन आई मेकअप उतना गंदा भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक है ये, मतलब और एक आई मेकअप है, मैं ब्लैक स्मोकी आई चाहती थी, ब्लैक स्मोकी आई नहीं हुआ, लेकिन ठीक है उतना खराब भी कुछ नहीं हुआ, वेरेबल है। अब बात करते हैं आईब्रोज की। आईब्रोज मैंने ऐसा नहीं कि मतलब आईब्रोज यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, वहां पर ड्रॉ कर दिया, इतना मोटा कर दिया, इतना टेढ़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा आईब्रोज जो ठीक से अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ, लाइक यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ऐसे ब्लेंड नहीं हुआ। एंड लिपस्टिक बहुत सही है, मतलब थोड़ा सा खराब है, थोड़ा यहाँ पर जो है लिपस्टिक ऐसे, मतलब ऐसे निकल गया यहाँ पर लिपस्टिक, नहीं तो ठीक ही है और क्या। लेकिन मेरा जो यहाँ पर ब्लश लगाया था बहुत डार्क हो गया, लाइक टमाटर की तरफ हो गया यहाँ पर और यहाँ पर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया प्लीज कर देना मेरे वीडियो को लाइक, और आप मेरे चैनल पर नए तो उससे मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उसके पास जो बेल बटन है उसे भी कर देना हिट, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस अगर आपको ऐसा ही चैलेंजिंग वीडियो देखना है या फिर कुछ मेकअप रिलेटेड कुछ वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर ट्राई करूंगी। और हाँ गाइस अगर आप मेरे सोशल मीडिया पेज लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो जाके फॉलो कर लो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, स्क्रीन पे मेंशन है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, लव यू।